अशुद्दीन ओवैसी जीका वायरस का दूसरा रूप मोदी सरकार ने बना लिया है, हर वायरस का टीका, राधा मोहन सिंह ने कहा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राधा मोहन सिंह ने AIMIM के अध्यक्ष अशुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ओवैसी को जीका वायरस बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर तरह के वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश का दूसरा विभाजन नहीं कर सकते। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने हर प्रकार के वायरस का टीका बना लिया है और अब किसी भी तरह के वायरस से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश का विभाजन करना चाहते हैं, लेकिन अब देश का दूसरा विभाजन नहीं हो सकता है। दरअसल AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशुद्दीन ओवैसी ने हाल के ही दिनों में केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर कई बार निशाना साधा है। ओवैसी ने हाल में ही कहा था कि बिहार सरकार बैकडोर से NRC CA लागू करना चाहती है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार की घुसपैठियों को चिन्हित करने और डिटेंशन सेंटर बनाए जाने को जो आदेश दिया था, उसको लेकर बिहार सरकार ने राज्य में घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की है। 2021 के जुलाई महीने में भारत सरकार रेल मंत्रालय ने जिला किसान है, दरभंगा बिहार रेलवे स्टेशन है, हमारे यहाँ के सांसद और विधायक लगातार मांग कर रहे थे इसको विकसित किया है। तो रेल मंत्रालय भारत सरकार ने इस रेलवे स्टेशन को रेल लैंड विकास अधिकरण को सुपुर्द किया, इसको विकसित किया। तो मैं आज उनके दिल्ली से सभी अधिकारियों को लाया था और आठ जो यहाँ सामने आई है ये लगभग है पूरे एकड़ जमीन में तो आवासीय परिसर और लगभग 40 एकड़ रेलवे का ये परिसर। तो हमारे अधिकारी आए हैं और 4 महीना के अंदर इसका मैप तैयार किया और उस मैप अभी तो इस रेलवे स्टेशन पर एक नया प्लेटफार्म और बैक के पीछे गेट निर्माण का काम हो रहा है। भविष्य में 2065 तक यात्रियों की क्या मानित संख्या होगी उसको ध्यान में रखते हुए हमारे अधिकारी इसके विकास की योजना बनाएंगे और उस योजना के तहत इसमें प्रवेश द्वार भी 2 से 4 बनेंगे, पीछे भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे और जितने पुराने बिल्डिंग हैं उसको तोड़कर मल्टी स्टोरेज अधिकारी कर्मचारियों के लिए भवन बनेंगे और शेष भूमि को यात्री सुविधा और व्यावसायिक दृष्टि से उसमें निर्माण किया जाएगा। और ओवरब्रिज के अलावे एक बीच में भी एक ऐसा निर्माण किया जाएगा कि जो यात्री ऊपर ट्रेन खड़ा होकर थोड़ी देर अपने ट्रेन प्रतीक्षा कर सकता हो। तो कुल मिला जुलाकर 2024 तक ये जो दरभंगा का रेलवे स्टेशन है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको इस प्रकार से विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा कि आपको दिखाई देगा कि निश्चित रूप से ये मोदी सरकार ने कुछ किया। ऐसे भी जहाँ तक मिथिला का सवाल है, दरभंगा का सवाल है, अभी अटल जी न होते तो हम मिथिला के लोग 4 लेन की सड़क नहीं देखते, मोदी जी नहीं होते तो फिर एम्स जो भविष्य में हम देखने वाले हैं वो नहीं देखते और 2024 में भी जो रेलवे का भव्य विकास यहाँ का दिखाई देगा कि मोदी जी के कारण होगा। तो कुल मिला जुलाकर मिथिला भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का प्राथमिकता में है विकास के दृष्टिकोण से। ये हवाई अड्डा भी यदि मोदी न होते तो हम मिथिला के लोग हवाई अड्डा भी नहीं देखते। तो मैं मिथिला की ओर से, अपनी ओर से, अपने सारे नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मिथिला के विकास के लिए, रेल के विकास के लिए जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, जो उन्होंने आदेश दिए हैं, ये सब काफ़ी सराहनीय है और जन जन आज मिथिलावासी